अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अली खान छोटू। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। मेरी दुआ हमेशा आप लोग के साथ है। ताज़े बेहतरीन है। फिर आज एक बेहतरीन बेभरा किराक आसान सा सवाल लेके आवा हूँ हैदराबाद की आवाम के बीच। ये जो कट्टे के ऊपर खड़ा हुआ हूँ मैं, बहुत खदीम कट्टा है जिसे लोग टैंगबोन से पहचानते हैं। हुसैन सागर के ऊपर खड़के में बात कर रहा हूँ मैं। असल नेम है इसका हुसैन सागर। हमारा सवाल यही है, हुसैन सागर कौन बनाए, कब बनाए, ये पब्लिक को जवाब देने का ये हमारा सवाल है। हुसैन सागर कौन बनाए, कब बनाए, बस ये दो चीज़ बताना है पब्लिक को। जो भी हमारे सवाल का जवाब देंगे बराबर इनाम का हकदार होगा, विनर बनेगा। तो अपन लेके चलता हूँ मैं पब्लिक के बीच, उन लोग किस अंदाज में किस तरीके से जवाब देते आप लोग को लाइव बताऊंगा। मेरे वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए, प्लीज फॉलो मी। खैरियत भाई, मास्क क्यों नहीं लगा रहे आप लोग? मास्क लगाना ना। नहीं नहीं, अभी तो फोटोशूट चल रहा है। अच्छा, फोटोशूट चल रहा है जी। ठीक है, मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, सवाल का जवाब देना, बराबर आपको इनाम मिलेगा, इनाम के हकदार होते आप जी। अच्छा, आप कहाँ पर खड़े हुए फिलहाल? टैंगबन। टैंगबन पे खड़े हुए जी। जी, असल नाम क्या है इसका? टैंगबन का। हाँ, टैंगबन का तो हुसैन सागर। हुसैन सागर, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये हुसैन सागर किसने बनाने लगा? हुसैन सागर ये कब बना, ये हमारा सवाल है। आप ही आइए पीछे। आइडिया नहीं है अपा। हाँ, महात्मा गांधी जी। क्या नॉलेज है भाई आपको। सही बात। हाँ, आप बोलिए। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से कोई आइडिया नहीं है भैया। आप अभी फिलहाल कहाँ खड़े हुए? हम टैंक बोर्ड के ऊपर खड़े हैं। असल नेम क्या है इसका? यहाँ का नेम तो टैंक बोर्ड ही है, बाकी इतना तो ज्यादा मालूम नहीं है। राजस्थान से हूँ। हुसैन सागर यही है। यही है तो यही पूछ रहा हूँ मैं, असल नेम हुसैन सागर है इसका। तो ये किसने बनाने लगा कट्टा, ये कब बना, ये जवाब देना। तो मालूम नहीं, मैं भी क्या राजस्थान से नया नया हूँ यहाँ पे। अरे अल्लाह, ये कट्टे के ऊपर टहल रहे आप, वॉक कर रहे? हाँ। ये कट्टे का नाम क्या है साहब? टैंगबंड। असल नेम क्या है इसका? हुसैन सागर। हुसैन सागर, वेरी नाइस सर। किसने बनाया और ये कब बना? मालूम नहीं है, कुछ आइडिया नहीं। नहीं कुछ। मैडम जी गुड मॉर्निंग। आप लोग जो कट्टे पे बैठे हुए उसका नाम क्या है मैडम? हम लोग बॉम्बे के हैं यार, आके नहीं है। कोई बात नहीं, इससे बैठे हुए ना आप ये ब्रिज के ऊपर? पहली बार आके बैठे। फर्स्ट टाइम? अरे ये कौन बनाए, किसने बनाने लगा, कुछ आइडिया? ये कट्टे के ऊपर खड़े हुए आप? हाँ भैया। ये कट्टा किसने बनाने लगा? भैया तो आइडिया नहीं है भैया। कब बना? आइडिया नहीं है भैया मेरे को। आपको देख के रुखा भैया, आपको देख के रुखा मैं, आपको आपके वीडियो देखता हूँ भैया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया भैया। आपके दो तीन वीडियो देखा, एक चादर घाट का वीडियो देखा जी, और ये क्या बोलते हैं अपना चार मीनार के जो चार मीनारा है वो दो वीडियो देखा भैया मैं आपके, बहुत अच्छा दिखा भैया। थैंक यू सो मच, देख के रुखा भैया। थैंक यू सो मच। मैं ये जनरल नॉलेज क्या है मालूम, आवाम के लिए कर रहा हूँ, मालूम होना बोल के मैं मेरे लिए नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। सुस्त दिख रहे एकदम, कुछ टेंशन में है क्या आप? टेंशन में? तेलुगु तेलुगु तेलुगु। इधर ये एम्पायर इधर ब्रिज टैंगबंड। ओरिजिनल नेम टेल मी। तेलुगु। अरे तेलुगु तेलुगु। हिंदी राजु? हिंदी राजु। कोंचम कोंचम? कोंचम कोंचम कोड़ राजु राजु। ओके थैंक यू मामा। और ये कब बना? नहीं मालूम। थोड़ा सोचिए, कट्टा कौन बनाने लगा है? कुछ नहीं, आप कट्टो पे वॉक कर रहे हैं ना? वॉक कर रहे हैं, मगर वो बहुत दिन से छोटे से देख रहा हूँ ऐसा जी। नाम भी नहीं पता आपको? निजाम नवाब का टाइम में हो गया ये। नहीं, निजाम से पहले बना सो कट्टा है। ए, नहीं निजाम, मेरे ख्याल में तो निजाम का है जो। नहीं नहीं, उससे पहले बना। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये कट्टा जो है, आप कट्टे पे बैठे हुए, कट्टा किसने बनाने लगा है उनका नाम बताना है आपको, कब बना ये भी बोलना है। अरे इतना नहीं पता यार, मैं तो नया हूँ हैदराबाद के लिए। पक्का? हाँ। नहीं पता? नहीं पता। ओके थैंक यू सो मच। क्या ये के
क्विज है क्या कोई? नहीं, न्यूज नहीं है ये, अली खान छोटू है ये, चैनल है हमारा। अच्छा, इंटरटेनमेंट हम तो नए हैं जी, पर ये जगह अच्छा लगता है तो साइकिलिंग करते आ जाते हैं। ओके, क्या प्रॉपर कहाँ के आप? प्रॉपर है हम छत्तीसगढ़ रायपुर साइड से, बट यहाँ काम करते हैं जी। हैदराबाद कैसा है हमारा? हैदराबाद मस्त है, बढ़िया, सेकंड होम है हमारा। थैंक यू सो मच। ओके ओके, व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन? हु बिल्ड दिस प्लेस? I think it's from Nizam's, you know. It's nahin, Nizam se pehle aaya bana. After that, you know, NTR developed a lot. So the entire road, yes, tank bund, it came from... Before Nizam, it was developed. That I don't know. Okay, thank you so much. Mere ko wo nahi malum. Tha Nizam ke time pe bani bolke. Thoda aur pehle bana, Nizam se pehle bana to katta hai. Kuli Kutub Shahi. Naam bataiye. I don't know, really. Thank you so much. वालेकुम सलाम, बोलिए साहब। साहब ये टैंक बंड जो कटा है हुसैन शाह का जी, किसने बना, कब बना, ये जवाब देना। हुसैन शाह अली बनाए बल्कि है। हुसैन शाह अली साहब बनाए बल्कि है। हुसैन शाह अली इंजीनियर? इंजीनियर बनाने कौन लगा है उनका नाम? वो तो नहीं मालूम है। कब बना? बना होगा 100-200 साल पहले। एक अंदाजा बोलो। अंदाजा तो नहीं मालूम मेरे को। एकदम डल डिग्री सूरज हम यहाँ के लोग पुराने लोग रहते तो उनको मालूम रहता। अब आजकल के जनरेशन के 200 साल पहले 300 साल पहले बनाए थे। खाली बैठे होकर सोचे होंगे ना थोड़ा बहुत? नहीं, अपने को एकदम लाइट का बिल ज्यादा है क्या? एकदम चेहरे पे उदासी छाई है। कमाता। ओके, शुक्रिया। ये टैंक बंड जो कट्टा है हुसैन सागर का कट्टा किसने बनाने लगा, कब बनाया, ये जवाब देना। अब मैं तो यहाँ पे वाली साहब के साथ 10 साल से हूँ जी। अब मेरे को तो नहीं मालूम है। सोचिए, सोच के जवाब दियो। आप कट्टे के पास कारोबार कर रहे हो, होटल है आपकी। अब ये अपना जो हैदराबाद है पहले से मुगल निज़ाम सरकार उन लोगों का है, तो वो लोग बनाए होंगे। हाँ, नाम बताइए उनका। सही जा रहे हैं आप। सोचिए, निज़ाम सरकार बनाए होंगे। निज़ाम सरकार, गलत जवाब। और सोचिए, और कौन है? निजाम से पहले बना सो कट्टा है। कुली कुतुब शाह बनाए होंगे। नाम बोलिए उनका। सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल खरीद में है। क्या है गिफ्ट, क्या है अगर सही आंसर? तोहफे के लिए आप नियत खराब कर रहे हैं। तोहफे कैसे कर रहे हैं आप? अगर आप देंगे ऑफर तो दिमाग चलेंगे और कुछ तो भी अच्छे अच्छे निकलेंगे। क्या होना बोलो आप, शमशाबाद पे 5 एकड़ जमीन दे डालो। नहीं बोलो, आपकी ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश तो बोले तो जवाब देता हूँ। बोल रहे हैं नहीं, क्या है कि फिर भी अंदर से सही जवाब निकलता होगा प्राइस देख के। अच्छा ठीक है, चलो टैंक बंड जो हुसैन सागर का कट्टा है ना, उसमें से 4 घड़े पानी आपको दे डालता। पानी दुनिया का अपने पास पानी बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। दे सकते आप जवाब? बोला ना लास्ट मेरा भाई कुली कुतुब शाह। भाई बचपन से देख रहा हूँ होटल होती है हम, मेरा उम्र कितना है? 65 है। 65? हाँ, जब से ये भी नहीं था, कुछ भी नहीं था यार। अच्छा, करमोला मैदान है पूरे ये एरा। अच्छा हाँ, वो गेटा की कुछ भी नहीं जी। हाँ, बचपन से देख रहे हो वसी है। कौन बाहर नहीं मालूम? नहीं मालूम था प्लीज, मेरा नहीं मालूम। थैंक यू सो मच। बहुत क्वेश्चंस करते रहते हैं जी, थोड़ा हल्का क्वेश्चन करो। बहुत बिल्कुल छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। अच्छा, ये तो वन पीस हैदराबाद में। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, मेरे बड़े भाई की चमकती हुई तलवार खुदा खैर करे। क्या माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ। आपकी बॉडी तो बहुत ज़बरदस्त है साहब। भाई थैंक यू, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका भी। मिस्टर इंडिया हूँ ऑलरेडी। थैंक यू सो मच। तो अभी ये हुसैन सागर जो कट्टा है ना, ये कट्टा किसने बनाने लगाया और कब बना, ये हमारा सवाल है। सवाल का अगर जवाब देंगे आप, बना बराबर विनर बनिए, बराबर आपको इनाम मिलेगा। सोच के जवाब दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हुसैन सागर का ये जो कट्टा है ना टैंक बंड, मैडम प्लीज आप गूगल सर्च कर रहे हैं आप, प्लीज नहीं मत जाइए आप। मैं हुसैन सागर का कट्टा जी, जिसे पब्लिक हैदराबाद की टैंक बंड से पहचानती है जी, यही हमारा सवाल है। थोड़ा मुश्किल सवाल है भाई, बहुत सालों की बातें हो। तो अपन प्रॉपर हैदराबाद के हैं ना? तो प्रॉपर हैदराबाद के हैं जी। जो हैदराबाद ही रहते ना, उन लोगों को ही ऐसे चीज़ें नहीं मालूम, दूसरे जगह बहुत सब मालूम रहता।
तब के निजाम बना होंगे हुसैन हुसैन भाई निजाम से पहले बना सो है। अच्छा निजाम से पहले बना सो निजाम क्या है 1600-1700 में थे निजाम निजाम से पहले बना। अच्छा जी हो सिग्नल दे रहे मैडम मैं सब देख रहा हूँ चीटिंग मत करो। नहीं नहीं चीटिंग नहीं करना है उतना तो आइडिया नहीं है भाई। अपनी बॉडी स्ट्रांग रखने के लिए अपन फिट रहने के लिए ये करना भी बहुत ज़रूरी है। खाली दावतों में वली में के खा लेके अंता पखपिला नको बनो पेटा निकाल लेके समझ में आ रहा। तो वॉकिंग रनिंग जंपिंग करना बहुत ज़रूरी भी है। ये करने से क्या फिट रहता है इंसान। हुसैन हुसैन सागर जो टैंग बोंड जो है ना या हाँ किसने बनाया हुसैन राइट ही वाज अ मिनिस्टर एट ऑफ द निजाम गवर्नमेंट राइट। निजाम थोड़ा और ओल्ड है निजाम 1600-1700 में थे उससे पहले मुगल मुगल में वेल आई डोंट नो आई हैव नो क्लू। थैंक यू सो मच। ये कटे का नाम हुसैन सागर हुसैन सागर हुसैन सागर है। सही गुड जवाब दिया अच्छा दिए। किसने बनाने लगा कट्टा ये। ये कट्टे अकॉर्डिंग टू द हिस्टरी वो कुली कुतुब शाह पता है ना कुली कुतुब शाह हाँ उसके परिवार कंस्ट्रक्ट किया। क्या नाम उनका। वो किंग है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह हाँ सही आप बिल्कुल खरीब में थोड़ा सा सोच के जवाब दियो सही जा रहे आप। पूरा नाम बताइए उनका और कितने साल पहले बनना है। बहुत पुराने तो आपका माइंड बहुत अच्छा है आप अच्छा सोचे आप थोड़ा खरीफ में थे मगर जवाब नहीं दे सके आप। थैंक यू सो मच कोशिश करने के लिए। थैंक यू। ये कहाँ पर खड़े हुए आप। टैंक बंड पे हुआ। असल नाम क्या है इसका। हुसैन सागर। हुसैन सागर कौन बनाए उनका नाम बोलते नहीं मालूम वो नहीं मालूम। सोचो कौन बनाने लगा है याद नहीं होता। एक अंडा का बोलो भाई मैं बोल सकते हैं। ट्रेन छूट जा रही शायद आपकी। जाइए डोर खुल गया ट्रेन का आपके। पानी का जहाज है ये भाई यहाँ पर बैठे हुए। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया कहाँ के प्रॉपर आप। यहाँ का हूँ भाई हैदराबाद। हाँ हैदराबाद ही। ये है कहाँ पर बैठे हुए आप। मैं टैंक बंड पे बैठा हूँ। असल नाम क्या है इसका ओरिजिनल नाम। इसका ओरिजिनल तो हुसैन सागर। क्या बात है सही जा रहे हैं आप बहुत अच्छे। ये कट्टा किसने बनाने लगा है उनका नाम बता सकते हैं आप। नाम बोले तो मैं 22 साल से मैं इधर ही पढ़ा हूँ। जरा उठ सकते हैं आप मेरी कमर दर्द हो रही है आपको। यहाँ का बोले तो हमारे इंटर में मैं इतना यहाँ का इतने सालों से मैं इधर ही हूँ। यहाँ के कोई भी खुदकुशी करने वाला आके इधर गिरे तो मैं उन लोगों को जान बचाने वाला हूँ। मैं 24 ईयर से मैं इधर ही हूँ। सो आप मेरे पूछना है तो मैं इसका जवाब देना बोले तो मैं ज़रूर मेरे बारे में आपको पूरा पता चलना। सो अपना ये पूरे अवाड़ा मारे हुए आप। हाँ मेरा ज़िंदगी पूरा इधर ही गुजार दिया और मेरा भाई है हम लोग सिमर यहाँ के। अच्छा। कोई भी मर गए से वालों को बचाना ना डेड बॉडी मुर्दे को निकल के उनके घर को पहुँचाना। अच्छा। मेरा काम है DGP महेंद्र रेड्डी सिनेमा हीरो फिल्म हर आदमी आके हमारे से मिले। अब तक कितने डेड बॉडी बचाया। मैं जान से बचाया तो 115 आदमी को जान से बचाया। बचाए क्या बात है। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे उनका दुआ है। नाइस गुड जॉब बेहतरीन काम है आपका। खतरों के खिलाड़ी आपको बोल सकते हैं। ये मेरा भाई हम दो जने मिल के एक हम मेरा ये गुरु मेरा गुरु है परसों लॉकडाउन में मर गया। मेरा भाई 2009 में भी एक जान बचाने को जाके उसका उसमें चले दो जने चले गए। कहाँ है आपका घर कहाँ है कहाँ रहते हैं। मेरा घर इधर ही है बाजू में। कहाँ पर। यही टैंक बंड में। मैं एक यहाँ का अनाथा हूँ। यहीं पर रहते हैं। हाँ बचपन से इधर ही हूँ। अरे सो इसका बारे में जानने वाले तो मिनिमम 15 साल चिल्लर है इसका। 15 साल 15 क्या बोल रहे अबो 2015 चिल्लर हूँ।
1500 साल चिल्लर है बोल रहे आप। हाँ मैं क्या समझ रहा हूँ, 15 साल पुराना है समझ रहा हूँ। आपकी 24 साल सर्विस है बोल रहे हैं। मेरा छोटा है, मैं बच्चा हूँ। 24 इयर्स से ना मैं इधर। हाँ 20 वर्ष मैं ये कह के इतना बोल सक रहा हूँ बोले तो, मैं इधर पानी में खुद तुम। अच्छा छोटा पत्थर भी किधर है हमारे को उतना मालूम है, उसका हम छानते ना। अच्छा कौन से लोकेशन में क्या है, इसके अंदर भी दरगाह भी है। किसके अंदर? ये तालाब में। तालाब के अंदर? हाँ दरगाह भी है। सो इसका एक एक पत्थर पे पुराने लोगों का जान है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बेशक बराबर। सो पुराने खदीम लोग, पहले के लोग कितना मजबूती कितना पकड़ से बनाए गए। अभी एक ईंट भी नहीं उठा सकते आज आप ये टाइम पे। उन लोग देखो इतना एक एक भी बहुत भारी भारी वेट वाला पत्थर है इसमें। अभी मिनिमम अब क्रेन से उठा रहे, जब इंसान उठा के लगे ऐसा पत्थर है वो। अगर ये नहीं है तो अपन बोलने को अब भी नहीं आते थे इधर। बिल्कुल बिल्कुल शिवाना, आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही मेरे को। आप वन मैन शो, एक जो इंसान अपनी जान को खतरे में डाल के दूसरे की जान बचाना, ये बहुत बड़ा कमाल है। बहुत इंसान को जज्बा रखता है, ये बहुत गर्व की बात है। दरगाह इसके अंदर है बोल रहे, ज़रा बताइए आप कहाँ है दरगाह? अपना यह है गौतम बुद्ध का स्टैचू है, उसका बाजू में तो आगे गए तो अपने एक सिंबल आता उधर। अच्छा उधर ही है उसका अभी भी है? अभी भी बोलते पानी में हम उतर देना। अच्छा कभी इंसिडेंट हो गया उधर बोट पे प्रॉब्लम है जब जाते उस टाइम पे। अच्छा ये जो बोट चल रहा है यहाँ पर सामने, वैसा लोकेशन में बोट भी नहीं जाता उधर, बोट यहाँ पर चल रहा। हाँ टूरिज्म का पूरा वो। हाँ सो ये बोट पूरा जितना गाइडिंग करने को आते हैं दूसरा देश से भी। ये गौतम बुद्ध देखने से पहले याद आता हैदराबाद में टैंक बन हुसैन सागर जी, हुसैन सागर है बोल के आते हैं। उसके बाद में ये बुद्ध भगवान याद आता। अपने मेन चीज़ है मैं इतना कह सकता हूँ, ये जो बड़े बड़े आदमी इससे पहले अभी तो नहीं है, उन लोगों को उन लोग याद है पूरा इधर ही छोड़ के गए अपने लिए। अच्छा कितने अंदर डीप में दरगाह एक अंदाजा, कितना नीचे होगा? 30 फीट का अंदर ही है। 30 फीट का अंदर ही है? 30 फीट का? हाँ 30 फीट अंदर। हाँ 30 फीट वाटर उतना ऊंचा है। अच्छा टोटल ये कितना डीप रहता है एक अंदर? वो 32 से चालू होता है। अच्छा 32 से एक एक जगह ज़्यादा 40, 50, 60, 70। अच्छा जितना अपन हम लोग जो रॉड निकालने को उतरते पानी में उस टाइम पे उतना डिप जाना पड़ता है। अच्छा गणपति महाराज गणेश के टाइम पे आप लोग नीचे उतरते हैं? स्क्रैप हमारा फूड ये है मतलब। अच्छा अच्छा आपका फूड ये पूरा आपका रहता है? हाँ हमारा इलाके में है पूरा। हाँ दूसरा कोई नहीं आना? नहीं आता। आते भी नहीं भाई, जरूरी है आपके समंदर में मछली दूसरी कैसा जी सकती है? तो अभी इतने साल से मैं इधर काम कर रहा हूँ, हर GHMC वाला हो और लैंड ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले गवर्नमेंट पूरा मेरा सपोर्ट फुल है मेरे को। अभी तक आप किसने बनाया उनका नाम नहीं बताया? अब नाम देखो ना मैं बोल अभी मैं याद में लेना पूरे। मैं जो बचपन से हमारे गुरु लोगों जो मैं उन लोग पूछता था, मैं भी ऐसे पूछा शिक्षा अपन इधर है इधर जीरा है मगर इसका पता कैसे होता है? हमारा गुरु बोलता था मेरे को इब्राहिम कुदीप शाह। इब्राहिम कुदीप शाह ये लोग जो है ना बड़े आदमी। क्या बात है। ये लोगों बनवा है। मैं बोलता हूँ आप हिंदी साफ नहीं आता, साफ नहीं आता फिर भी आप हिंदी नहीं आता फिर भी इतना याद रखे, उसके लिए मैं क्लैप देता हूँ। मैं बहुत बड़ी बात है साहब आप इतना सोच के जवाब दे रहे। इब्राहिम खुली कुतुब शाह मेरे को निजाम से पहले उन लोग पहले वो बने। हम आप गुड जवाब तो बहुत अच्छा दिए मेरे को। खुली कुतुब शाह जो बनाए निजाम से पहले ये इंजीनियर थे हुसैन शाह अली। अच्छा। जो अभी भी प्रेजेंट शेखपेट जो है हैदराबाद में गचीबोली जाने के टाइम हम जाते ना था उधर भी हम गोलकोंडा किले में जाते उधर लिखे हुआ रहते नामा हुसैन शाह अली जो दरगाह है ना उन्हीं के नाम थे। उन्होंने इंजीनियर थे जब उस टाइम पे। इसके लिए अली खान छोटू चैनल की तरफ से आपको छोटा सा एक तोहफा ही होता साहब, प्राइज ही होता, चाहे वो 1 करोड़ का रहें दो चाहे वो 1 रुपये का रहें दो। ये अली खान छोटू चैनल की तरफ से आपको एक छोटा सा प्राइज है, तोहफा है, तोहफा ही होता है। ज़रा हमारे फ्रेंड्स को आप बता दीजिए, खोल के पेन के बता दीजिए, आपकी सहूलत के हिसाब से हम ये आए। ये टाइम क्या है बोले तो बारिश का टाइम है, बारिश में इंसान भीगने से क्या है बीमार पड़ता, बुखार आता। ज़रा पेन के आप बता दिए तो बड़ी मेहरबानी शिवाना।
ये अन्ना चैनल से अली खान छोटू अन्ना जो हमारा जो तोहफा दिया ना, हम जिंदगी भर कहीं बोलते ये जितना दिन रहता उतने दिन भूलने के बात नहीं है। मर खाना खिलाया एक दिन पेट भरा है वैसा है हमारा को, बारिश में बिकते ठंडा में रहता बोल के अन्ना हम उसका दिल से जो भी थे हमारे को बहुत अच्छा लग रहा। कहीं बोले तो हम रहने का लोकेशन वैसा है हमारा, मगर मैं सोचा नहीं दूसरा कुछ भी दे तो मैं वहाँ फेंकने का है, मगर ये बारिश में हम ये पहनने का है हमारा को बहुत अच्छा लगा ना। जरूरी है ना। कहीं बोले तो हम जितना काम करते बाहर वाला पैसा दे के आते, मगर हमारे ये रेनकोट जो दिया देखने वाला हर इंसान सोचना ना चीज़ बहुत कीमत की होते, ये हमारा बीमार नहीं आना, मतलब कुछ भी हो बीमार नहीं आए सर का हमारे को देखभाल कराना बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस आप लोग को आज का वीडियो कैसा दिखा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल है अली खान छोटू, हमारे अली खान छोटू चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक आईडी है अली खान छोटू पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए। बड़े भाई नाराज़ दिख रहे शायद आप, ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, गुस्से में दिख रहे शायद आप। प्लीज़ गाइस आप लोग का सपोर्ट ऐसे मिलते रहेंगे, हिम्मत अफजाई ऐसी करेंगे आप लोग, हौसला देंगे तो और अच्छे अच्छे वीडियो बना के आप लोग को बताऊंगा, एंटरटेनमेंट करूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले मंडे, जब तक के लिए खुदा हाफिज।